वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू ब्यूटी टिप्स। तो आप देख सकते हो जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये है नागिन 6 का तेजस्वी प्रकाश का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसे किया है, और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले लिया है मैंने जॉय का मिनी मॉइस्चराइजर, 10 रुपीज़ का है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अब लगाया है लिप बाम, फ्रूट का लिप बाम है, विंटर है तो लिप बाम जरूर अप्लाई करेंगे। सीरम लगाऊंगी मैं और अच्छे से सीरम को कर दूंगी सेट। मार्स का प्राइमर लगाया है और अपने टी पॉइंट पर लगाकर अच्छे से सेट कर दूंगी इस तरीके से। अब चलते हैं आईब्रो की तरफ। स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर लिया है और इसे लिया है मैंने डार्क ब्राउन शेड ली है, और अच्छे से डार्क आईब्रो करूंगी। थोड़ा सा डार्क रखूंगी आईब्रो को क्योंकि मुझे ब्राउन शेड पसंद नहीं है। और स्विस ब्यूटी का लिया है कंसीलर जो कि मेरे स्किन से थोड़ा सा मैच करता हुआ है, और अपने आईज विस बनाने के लिए आईज पर अप्लाई करूंगी और आईब्रो को एक अच्छे से शेप दूंगी। कंसीलर अप्लाई करने से हमारी जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से उभर कर आती है, आई शेडो के कलर उभर कर आते हैं। और इसे मिनी ब्लेंडर से इस तरीके से सेट कर दूंगी जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हट जाए और हमारी आईज का मेकअप केकी के किसा ना लगे और पैचेस ना पड़े। और लैक्मे का लगाया है लूज पाउडर, मार्स की पैलेट से लिया है मैंने ब्राउन शेड, कट क्रीज एरिया तक लगाऊंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं करूंगी इसे ब्लेंड। लिया है मैंने ब्लैक शेड, बैक से लगाऊंगी, फ्रंट की तरफ लेके आऊंगी, आईज का थोड़ा सा फ्रंट का एरिया मैं छोड़ दूंगी और थोड़ा सा स्मोकी लुक दूंगी आईज को। फ्रंट में लगाऊंगी मैं थोड़ा सा शिमरी ब्राउन शेड लगाऊंगी, हाइलाइटर लगाया क्लेयर सन्स के हाइलाइटर से, लैक्मे का लाइनर लगाऊंगी, बहुत ही पतला सा लाइनर रखूंगी, विंग्स नहीं निकालूंगी। आप मोटा पतला अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, बट ये जो मैंने मेकअप लुक किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी। तेजस्वी प्रकाश का रेड चेरी की आईलैशेस सेट की है मैंने इस तरीके से। पर्पल का मस्कारा अप्लाई करूंगी जिससे मेरी फेक आईलैशेस और रियल आईलैशेस मिक्स हो जाए। हुड्डा का काजल अप्लाई करूंगी अपनी लो वाटर लाइन पर इस तरीके से। ब्लैक शेड लिया है मैंने हल्का सा मर्ज करते हुए आईज की लो वाटर लाइन होंगी। और स्टे क्यूरकी के लिए है फाउंडेशन, और इसे मैं बहुत कम क्वांटिटी में लूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम लिया है। और इसे मैं अच्छे से वेट ब्लेंडर से सेट करूंगी, अगर कम रहता है तो हम एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छे से सेट करूंगी और अब मैंने लगाया कंसीलर अपने हाइलाइटिंग एरियाज पर, बहुत ही प्यारा है कंसीलर, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही नेचुरल सा शेड आता है इसे, ये मेरी स्किन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। और मिनी ब्लेंडर से इसे मैं कर दूंगी सेट, बहुत ही अच्छा बेस बनता है। एक बार फिर से पाउडर अप्लाई करूंगी मैं, लैक्मे का लूज पाउडर लगाया है मैंने, नेक एरिया को भी कवर करूंगी। कॉन्ट्यूर के लिए लिया है मैंने लिक्विड कॉन्ट्यूर, इसे मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, फिर भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लगता है ये, और बहुत कम लिया है मैंने। और अच्छे से अपनी फोरहेड पर जो लाइन पर अच्छे से अप्लाई करूंगी और इसे मर्ज कर दूंगी इस तरीके से, अच्छे से करूंगी सेट। आप चाहे तो पाउडर कंटूर का भी यूज कर सकते हैं, क्रीम कंटूर को स्किप कर सकते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हो मेरे फेस का बेस बहुत ही नेचुरल सा बना था, और मैंने हुड्डा की हिलेरी हुड्डा की किट से लिया है ब्रॉन्जर, क्रीम कंटूर को सेट करूंगी मैं। ब्लशर भी लिया है मैंने हिलेरी हुड्डा की किट से, टू शेड है, दोनों को मिक्स किया है। यहाँ मैंने यूज किया है क्लेयर सन्स का हाइलाइटर, अपने हाइलाइटिंग एरियाज को मैं हाइलाइट करूंगी अच्छे से इस तरीके से।
स्ट्रे क्यूर की लिए है लिपस्टिक जो कि बहुत प्यारा सा न्यूड शेड है। अपने लिप्स को मैं करूँगी कंप्लीट और ये है मेरा फाइनल लुक। आप देख सकते हो मेरा मेकअप जो कि मैंने बहुत ही कोशिश की है, बिल्कुल मिलता जुलता मेकअप करने की और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक? अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।